नमस्कार, आप जोई रहा छो गुजरात प्राइम टाइम। आपनी साथे हूँ झरणा। भावनगर में सतत 3 दिवस मेघ मेहर यथावत छे। अहीं जेसर पंथक में 1.25 इंच वरसाद पड़ता पानी वहता थया। वरसाद ने कारण बिला तेमज मलण नदी में नवा नीरनी आवक थई। सतत 3 दिवस सारो वरसाद पड़ता खेडूतों में खुशी नो माहौल छवायो। तो आ तरफ वलसाड जिल्ला में पण वरसादी माहौल जाम्यो छे। वापी में भारे वरसाद वरसता गुंजन विस्तार में पाणी भराया। बजार में केटलीक दुकानों पण भराया पाणी। गुंजन विस्तार में मुख्य रस्ताओ पर पाणी भराता लोको अटवाया। सतत भारे वरसाद थी राहदारी अने वाहन चालको ने हालाकी थई। जिल्लाना वलसाड अने पाड़ी में पण भारे वरसाद वरस्यो। तो वापी में पण भारे वरसाद ने पगले भोगवानो वारो आव्यो वाहन चालकों ने। रस्ताओ पर भारे वरसाद ने कारणे पाणी भराई चुक्या हता। जाणे के रस्तो नहीं परंतु कोई नदी वही रही होय ते प्रकारनी तस्वीरो वलसाड थी सामे आवी हती। मुख्य रस्ताओ पर आ पाणी भराता लोको अटवाया हता। लोकोना वाहनो बंद थई चुक्या हता। ज्यां जुओ त्यां पाणी ज पाणी नी तस्वीरो सामे आवी रही हती। वापीनो गुंजन विस्तार आखोई जाणे के जळबंबाकार थई चुक्यो हतो। जो के गुंजन विस्तार में दर वर्षे चोमासामां आ ज परिस्थिति यथावत रहे छे, परंतु तेनुं कोई ज सोल्यूशन नथी आवतुं। बीजी तरफ भरूचना जंबूसर में पण वरसादी माहौल जाम्यो छे। बपोर बाद जंबूसर शहर में भारे वरसाद वरस्यो। भारे वरसाद ने पगले नीचाणवाळा विस्तारों में पाणी भराया। घूंटण समा पाणी भराता वाहन चालकों सहित राहदारीओ ने पण मुश्केलीनो सामनो करवो पड्यो। तो आ तरफ गीर जंगल में उपरवास में अनराधार वरसाद थयो। अनराधार वरसाद थी नदी नाळा सजीवन थया। गीरमांथी वहती रावल नदी में पूर आव्यु। सीजन प्रथम पूर आवता लोको जोवा उमट्या हता। तो गीर सोमनाथ में धोधमार वरसाद बाद रावल नदी में पूर आव्यु छे। गीर में भारे वरसाद बाद नदियों में पूर की परिस्थिति जोवा मळी। तुलसी श्याम थी नगड़िया अंबाड़ा थी पसार थाय छे नदी। नदियों में नवा नीरथी खेडूतो खुशखुशाल जोवा मळ्या। तो गीर सोमनाथ जिल्ला में गीर जंगल उपरांत तालाड़ा ग्राम्य विस्तारों में वरसाद वरस्यो। माधुपुर जसाधार धावा अमरवेल जयपुर सहित गामों में वरसाद वरस्यो। अहीं वावणी बाद वरसाद वरसता खेडूतों में खुशी की लहर छवाई छे। तो आ तरफ ऊना गीर गढ़ा ग्राम्य विस्तारों में वरसाद थयो। एक दिवस विराम बाद फरी एक बार मेघराजाए जमावट करी। वीजळीना कड़ाका साथे धोधमार वरसाद वरस्यो। गीर नजीकना धोकड़वा खिलावड़ फाटसर जसाधार सहित गामों में धोधमार वरसाद थयो। तो अमरेलीना खांभा में बारे मेघ खांगा थया होय तेम धोधमार वरसाद वरस्यो। खांभाना तातणिया गाम में 2 कलाक में 3 इंच वरसाद खाबक्यो। खांभाना नानुड़ी गाम की नदी में पूर आव्यु। तो आ तरफ सावरकुंडला ग्राम्य विस्तारों में सवारथी ज वरसाद वरसी रह्यो छे। सावरकुंडला तालुकाना नाळ गाम की स्थानिक नदी में पूर आव्यु। सारा वरसाद ने लई धरतीपुत्रों में खुशी नो माहौल छवायो छे। राजकोटना उपलेटा में धोधमार वरसाद खाबक्यो। उपलेटा तालुकाना लाट भीमोरा गामे भारे वरसाद वरस्यो छे। आसपासना गामों में अनराधार वरसाद वरस्यो। लाट गामे 1 कलाक में 4 इंच वरसाद खाबक्यो। गामना रोडना कोजवे पर पाणी फरी वळ्या। धोधमार वरसाद थी नदी नाळा छलकाया छे। तो आ तरफ उपलेटाना ग्राम्य विस्तार में दृश्य छे ज्यां स्थळ त्यां जळ जेवी स्थिति जोवा मळी रही छे। ज्यां जुओ त्यां पाणीनुं साम्राज्य जोवा मळी रह्युं छे। वाहन चालकोने वाहन पसार करवामां भारे तकलीफ पड़ी रही छे। लाट गामना पादरमां बस स्टेन्ड में पण पाणी फरी वळ्या। दर वर्षे वरसाद ने कारणे लाट गामना लोकोने आवी छालाकी वेठवानो वारो आवे छे। तो आ तरफ द्वारका में पण वरसादे रमझट बोलावी छे। द्वारकाना भाणवड तालुका में पण मेघमहर थई छे। बपोर बाद मेघराजाए धमाकेदार बेटिंग करी। भाणवडनी आसपासना विस्तार में भारे वरसादना पगले नदी नाळाओ छलकाया छे। तो जूनागढ़ना विसावदर में शहर अने ग्राम्य विस्तारों में वरसाद वरस्यो। धोधमार वरसाद थी रस्ता पर पाणी वहता थया। वावणी बाद खेडूतो माटे काचा सोना समान बनी रह्यो छे वरसाद। विसावदर में सीजनों 14 इंच जेटलो वरसाद वरस्यो छे। विसावदर में सीजनों 23% जेटलो वरसाद वरसी गयो छे। विसावदर शहर तथा आसपासना ग्राम्य विस्तार में पण वरसाद वरस्यो। प्रेमपरा मोणपरी खांभा लालपुर अने कोटड़ा सहित ग्राम्य पंथक में नदी नाळाओ में नवा नीर आव्या। तो आ तरफ छेल्ला केटलाय दिवसथी बोटाद जिल्लामां मेघमहर थई रही छे। बोटाद शहेरमां धोधमार वरसाद वरस्यो। तुरखा रोड पाड़ियाद रोड विस्तारमां वरसाद वरस्यो। गढ़ा रोड रेलवे स्टेशन अने गायत्री नगर विस्तारमां वरसाद थयो। धीमी धारे वरसादथी खेडूतोमां आनंद छवायो।
तो वरसाद में क्यांक मेहर तो क्यांक मुश्किली लईने आव्यो। बोटाद में साळंगपुर रोड रेलवे अंडरब्रिज में वरसादी पाणी भराता वाहन चालकों ने हालाकी वेठवी पड़ी। दर वर्षे चौमासा में पाणी भराई जवानी तकलीफ रहे छे। हाल अहींथी पसार थता वाहन चालकों ने पड़ी रही छे हालाकी। दर वर्षे समस्या सर्जाती होवा छतां आज दिन सुधी कोई उकेल न आवता शहरीजनों में रोष जोवा मळ्यो। तो भावनगर जिल्ला में पण अविरत वरसाद वरस्यो। भावनगर शहर अने पंथक में वरसादी माहौल जाम्यो। शहर में अनेक विस्तारों में धीमी धारे वरसाद थयो। शहर ना अनेक विस्तारों में छूटा छवाया वरसाद साथे ग्राम्य पंथक में पण वादळछायुं वातावरण छवायुं। वादळछायुं वातावरण बाद पवन साथे वरसाद थयो। वरसाद शुरू थता ठंडक प्रसरता लोकोने गर्मी माथी राहत मळी। तो डांग जिल्ला में वरसाद वरस्यो। जिल्लाना वघई सुबीर सहित अनेक विस्तारों में वरसाद। डांग में केटलीक जग्याए धोधमार वरसाद वरस्यो। वरसाद ना थता जिल्ला में आवता प्रवासियों में खुशी नो माहौल छवायो। तो द्वारकाना दरिया में आजे पण भारे करंट जोवा मळ्यो। दरिया में भारे करंट होय संगमघाट दरिया किनारे मोजा चौपाटी सुधी पहोंच्या। दरियो गांडोतूर बन्यो होय। आजे भारे करंट ने कारणे किनारे ऊंचा मोजा उछळ्या। दरिया में भारे करंट होय यात्रिको दरिया किनारे चौपाटी विस्तार में फरवा पहोंच्या। भड़केश्वर संगम घाट सहित दरिया किनारे ऊंचा मोजा उछड़ता जोवा मळ्या। तो राजकोट सहित सौराष्ट्र में आज पण अविरत वरसाद वरस्यो। धोराजी उपलेटा अमरेली पंथक में सार्वत्रिक वरसाद वरस्यो। अविरत वरसादે સૌરાષ્ટ્રની ધરતીને તરબોળ કરી દીધી। અષાઢી બીજ બાદ સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારમાં મેહુલ્યો મંડાયો છે। રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં ખેડૂતો માટે કાચું સોનું વરસી રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। ધોરાજી પંથકમાં સતત ચાર દિવસથી ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ધોધમાર વરસાદ વરસવાથી ખેતરોમાં કરેલી વાવણી ખીલી ઉઠી। ધોરાજી શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે મુશળધાર વરસાદ ખાબક્યો। वहली सवार थी काला डिबांग वादळो साथे मेघ सवारी धोराजी तरफ आवी अने वरसाद रूपी खेत वरसाव्यो। सतत चौथा दिवसे धोराजी में धोधमार वरसाद खाबकता नीचाणवाळा विस्तारों में पाणी भराया। मेघराजाए एवी तो धमाकेदार बेटिंग करी के एमजी रोड स्टेन चौक विस्तार पाणी पाणी थई गयो। राजकोटना उपलेटामां पण केटलाक दिवसोथी मेघमहेर थई रही छे। उपलेटा शहर अने ग्राम्य विस्तारमां वरसाद वरसता खेडूतो राजी थया। कालावड़ रोड ग्रीनलैंड चौकड़ी गोंडल चौकड़ी विस्तार में वरसाद पड़ो। आ उपरांत हाड़फोड़ी चिखलिया समझियाड़ा ईसरा डुमियाणा में पण मेहुलियो गाज्यो। वाडला नागवदर खाखीजाड़िया मोजीरा में धोधमार वरसाद वरसता नीचाणवाड़ा विस्तारों में वरसादी पाणी भराया। राजकोट शहर में पण सवारथी ज वादळछायुं वातावरण जोवा मळ्युं अने बपोर बाद वीजळीना कड़ाका भड़ाका साथे एक कलाकमां 1.5 इंचथी वधु वरसाद खाबक्यो। शहरना जामनगर रोड याज्ञिक रोड 150 फूट रिंग रोड रेसकोर्स रैया रोड किशानपरा चौक यूनिवर्सिटी रोड कालावड़ रोड अने मोरबी रोड सहितना विस्तारों में मुशळधार वरसाद वरस्यो। शहरना मुख्य मार्गो पर 1-2 फूट सुधी पाणी भराई गया। बीजी तरफ माधापर चौकड़ीए गौठणसमा पाणी भराता बाइक रिक्षा बंद पड़ी जता चालको परेशान थया। सौराष्ट्रना अन्य विस्तारों में पण चोमासू जाम्यू छे। द्वारकाना खंभाळिया तालुकामां मेघराजानी धमाकेदार एंट्री थई। खंभाळिया तालुकाना लालुका भिंडा बेराजा सहितना ग्राम्य विस्तारमां अविरत वरसाद वरस्यो। सारा वरसादथी खेडूतोए करेला आगोतरा वावेतरने फायदो थयो। राज्यना चेरापूंजी गणाता अमरेली पंथकमां मेहुलियो मेहर करी रह्यो छे। लीलियाना ग्राम्य विस्तारमां वरसादी माहौल जाम्यो। नाना कणकोट सहितना विस्तारमां वावणी लायक वरसाद पड़ता खेडूतो खुश थया। आ तरफ सावरकुंडलाना गामडाओमां पण वरसादी झापटा पड्या। मेवासा ठवी वीरडी नाळ भमोद्रा चरखड़िया ओळिया सहितना विस्तारोमां वरसादथी खेडूतोने सारा पाकनी आशा बंधाई। अमरेलीनी धारी पंथकमां पण मेघो मेहरबान छे। धारी चलाला आंबरडी जरमुजर दहीडा पादरगढ़मां नोंधपात्र वरसाद वरस्यो। हालरिया सरसिया गोपाल ग्राम पंथकमां धोधमार वरसादथी खेतरोमां पाणी भराया। सतत अने अविरत वरसेला वरसादे अमरेली जिल्लाना वडिया विस्तारने तरबोळ करी दीधो। पोस्ट ऑफिस आसपासना विस्तारमां पाणी भराया हता। पोरबंदर जिल्लाना ઘીડ પંથકમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે। માધવપુર ઘીડ પંથકમાં 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો।
પોરબંદર શહેર તેમજ અન્ય વિસ્તારમાં સવારથી વાદળછાયું વાતાવરણ હતું અને બપોર બાદ ધોધમાર વરસાદ વરસતા પાણી પાણી થઈ ગયું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. તો જળ બંબાકારની સ્થિતિમાં ફસાયેલા લોકોની બહારે આવ્યો એક ટ્રાફિક પોલીસ જવાન. ઘૂંટણસમા પાણીમાં ફસાયેલા વાહનોને આ જવાને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી. જુલાઈએ 3 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ અપાયું છે. સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ છે. અત્યંત ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના રાજ્યમાં જિલ્લાઓમાં કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને 3 જિલ્લાઓ જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના 3 જિલ્લાઓ સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અહીં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. તો આગામી 5 દિવસ છે અનરાધાર વરસાદની આગાહી. હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે 8 જુલાઈએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ ખાબકશે. પાંચ દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી. 8 જુલાઈએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી. રાજ્યમાં ચોમાસુ ધીમે ધીમે આક્રમક રૂપ બતાવી રહ્યું છે. શરૂઆતથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘ જમાવટ રહી છે. ત્યારબાદ સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોને ઘમરોળી રહ્યું છે અને હવે રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાં પણ વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સાર્વત્રિક વરસાદ વરસી રહ્યો છે ત્યારે હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને 8 જુલાઈએ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદ વરસી શકે છે. अगले 5 दिन में पूरे गुजरात को अच्छी खासी बारिश मिलेगी. हैवी से वेरी हैवी रेन मिलने का भी संभावना है. इवन 8 जुलाई को एक्सट्रीमली हैवी रेन होने का भी संभावना है. जो हैवी रेन पूरे गुजरात में अच्छी खासी बारिश होगा. 7th-8th को वाइड स्प्रेड रेन रहेगा और हैवी टू वेरी हैवी रेन रहेगा. मोस्टली साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात को भी हो सकता है एंड एक आध डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गुजरात में भी आइसोलेटेड हैवी रेन होने का संभावना है. और सौराष्ट्र कच्छ में भी, कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ, कुल मिला के पूरे स्टेट को अच्छा रेन रहेगा. વેસ્ટ બંગાળમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ મધ્યપ્રદેશથી લઈને ગુજરાત તરફ આગળ વધતા રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસશે. હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં સરેરાશ 100 mm વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. अगले 5 दिन में पूरे गुजरात को अच्छी खासी बारिश मिलेगी. हैवी से वेरी हैवी रेन मिलने का भी संभावना है. इवन 8 जुलाई को एक्सट्रीमली हैवी रेन होने का भी संभावना है. जो हैवी रेन पूरे गुजरात में अच्छी खासी बारिश होगा. 7th-8th को वाइड स्प्रेड रेन रहेगा और हैवी टू वेरी हैवी रेन रहेगा. मोस्टली साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात को भी हो सकता है एंड एक आध डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गुजरात में भी आइसोलेटेड हैवी रेन होने का संभावना है. और सौराष्ट्र कच्छ में भी, कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ, कुल मिला के पूरे स्टेट को अच्छा रेन रहेगा और भारी बारिश भी रहेगा. भारी से अति भारी बारिश और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी होने का संभावना है. अभी जो एक लो प्रेशर एरिया है बे ऑफ बंगाल एडजाइनिंग एरिया, वो जो लो प्रेशर एरिया का मूवमेंट मोस्टली एमपी होके गुजरात तरफ आने का संभावना है. लेकिन तब तक सिस्टम वीक हो जाएगा लेकिन गुजरात को अच्छी खासी बारिश मिलने का संभावना है. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ છે પરંતુ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં મેઘરાજા હજી પણ હાથતાળી આપી રહ્યા છે. છૂટાછવાયા વરસાદને બાદ કરતા અમદાવાદીઓ હજી પણ વરસાદની રાહમાં છે. દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. રાજકોટના ધોરાજીમાં ઓસમ ડુંગર પર વરસાદી માહોલની વચ્ચે કુદરત સોળે કળાએ ખીલી છે. પાટણવાવમાં આવેલા ઓસમ ડુંગરની આસપાસ મનમોહક દ્રશ્યો સર્જાયા છે. અહીં ઝરણાનું ખળખળ વહેતું પાણી મનને પ્રફુલ્લિત કરે છે તો મોરના ટહુકાથી હૈયું થનગની ઉઠે છે. અહીં લીલીછમ હરિયાળી લોકોને આકર્ષી રહી છે. ઓસમ ડુંગર પર સ્વયંભૂ ટપકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે અને પર્યટક સ્થળોમાં પણ તેનો સમાવેશ થાય છે. ચોમાસા દરમિયાન અહીં કુદરતી સૌંદર્ય ખીલી ઉઠે છે. હાલ ઓસમ ડુંગર પર ધોધમાર વરસાદથી નયનરમ્ય નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરથી ડિજિટલ ઇન્ડિયા વીક 2022નો શુભારંભ કરાવ્યો.
साथ ज अलग अलग सात डिजिटल पहल पण लॉन्च करी। आ नवी पहलना कारणे इंटरनेट डिजिटल सेवा वधु सरळ बनशे। आ प्रसंगे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केन्द्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर उपस्थित रहा। अही संबोधन करता प्रधानमंत्री गुजरात थी डिजिटल क्षेत्र शुरू करेला अनुभवों ने वगोड़िया और गुजरात नो आभार मान्यो। तो डिजिटल इंडिया मुद्दे जारे संसद में चर्चा थती हती त्यारे एक वक्त पी चिदंबरमे मजाक उड़ावी हती। आ मुद्दे प्रधानमंत्रीए गांधीनगर थी पलटवार कर्यो। गो टू योर विलेज फेयर, बाय पोटेटोज एंड टोमेटोज एंड पे 7 rupees 50 paisa बाय क्रेडिट कार्ड। व्हाट विल द पुअर लेडी डू? डज शी हैव अ पीओएस मशीन देयर? इज इट कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. Everywhere. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? Geo. What kind of a false picture that you are present? कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोले हैं। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का यही तो हाल होता है जी। कॉमन सर्विस सेंटर थकी आत्मनिर्भर बनेला दिव्यांग दंपति नो पण प्रधानमंत्री उल्लेख कर्यो। अमे पति पत्नी बन्ने जन दिव्यांग छे। सरकारश्री नी योजना हेठळ दिव्यांग लग्न सहाय योजना के समाज सुरक्षा में जईने अमे दिव्यांग लग्न सहाय योजना नु फॉर्म भर्यु। अमने एज महीना में पति पत्नी ने 50,000 रूपया मळीने कुल 1,00,000 रूपया मळ्या सर। હવે 1,00,000 રૂપિયા અમને મળ્યા, એમાં મેં કોમન સર્વિસ સેન્ટરનું એપ્લાય કર્યું અને કોમન સર્વિસ સેન્ટરના ઇલેક્ટ્રિક સાધનો ખરીદ્યા। પછી એમાં મારું કોમન સર્વિસ સેન્ટરની અત્યારે મારી હાલની આવક છે 27,000 થી 28,000 રૂપિયા મારી કોમન સર્વિસ સેન્ટરની આવક છે સર। સર મને સમાજ સુરક્ષામાંથી 20,000ની કિંમતે સિલાઈ મશીન મળેલ છે। હું જાતે સિલાઈ કામ કરું છું અને મારી મહિનાની આવક 5,000 જેટલી થઈ જાય છે। હમણાં સિઝન ચાલે એટલે અમે બંને જણ થઈને અમારું ગુજરાન સારી રીતે ચલાવીએ છીએ, એટલે હું ગુજરાત સરકારનો આભાર માનું છું। મેં પિછલે દિનો ત્યાં દાહોદ આવ્યો હતો, તો દાહોદમાં બધા મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોને મળવાનું થયું, તો એમાં એક દિવ્યાંગ કપલ હતું, 30-32 વર્ષની ઉંમર હશે। એને મુદ્રા યોજનામાંથી પૈસા લીધા, કોમ્પ્યુટરનું થોડું બધું શીખ્યા અને પતિ પત્નીએ કોમન સર્વિસ સેન્ટર શરૂ કર્યું દાહોદના આદિવાસી જિલ્લાના એક નાના ગામડામાં। એ ભાઈ અને એમના પત્ની મને મળ્યા, એ મને કહે સાહેબ મારું એવરેજ 28,000 રૂપિયાની આવક છે, ગામડામાં લોકો હવે મારે ત્યાં જ સેવા લે છે। ડિજિટલ ઇન્ડિયાની તાકાત જુઓ ભાઈ। તો ડિજિટલ માધ્યમના કારણે અનેક ખોવાયેલા બાળકોનું પરિવાર સાથે કઈ રીતે મિલન થાય છે તેની વાત પણ પ્રધાનમંત્રીએ મંચ પરથી કરી। ડિજિટલ મેળામાં એક બાળકી સાથે પ્રધાનમંત્રીએ મુલાકાત કરી, જે બાળકી માત્ર 6 વર્ષની હતી ત્યારે જ પરિવારથી વિખૂટી પડી ગઈ હતી। आधार कार्ड बनाने वाले कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरा आधार कार्ड बनाया
और फिर जब मैंने अपनी घर लगाई तो उससे पता चला कि मेरा आधार कार्ड बिजली से बना हुआ है। फिर हमारी मैम ने हमें बुलाया, फिर उसे बताया कि बेटा हमारा घर हो गया है। फिर उसके बाद मेरी जानकारी से मेरी बात करी मुझे। वहां अभी एक बिटिया से मिलना हुआ है। वो बेटी 6 साल की थी तो अपने परिवार से बिछुड़ गई। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मां का हाथ छूट गया, वो किसी और ट्रेन में बैठ गई। माता पिता के बारे में टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की ताकत कि आज वो बच्ची अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने गांव में। तो आ साथ गुजरात प्राइम टाइम बुलेटिन समाप्त करू छे। अनुद समाचारों विस्तार थी जोवा माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती।